पंजाब में चिटफंड कंपनियों की ओर से पंजाब के लोगों की मेहनत को हड़पने को लेकर आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के शहर पटियाला में इन कंपनियों के पीड़ित लोगों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने एक मार्च शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए मुख्यमंत्री के घर तक निकाला। पीड़ित लोगों के अनुसार पंजाब के 25 लाख लोगों का चिटफंड कंपनियों ने पैसा नकार लिया है और इन्हें सपने दिखाकर पहले तो जाल में फंसाया गया और अब उन्हें पैसे वापस नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा कि पंजाब में कई जगहों पर उन कुछ कंपनियों की संपत्ति है, उन्हें जब्त कर सरकार को गरीब लोगों को खून पसीने की कमाई को वापस दिलवाना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। वह लोगों को ही समय पर समय दे रही है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनावों से पहले 1-1 कौड़ी वापस देने की बात कही थी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया जा रहा। अब ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपस में मिल चुके हैं और जिस कारण ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह आज एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम मांग पत्र देने आए हैं, अगर अब कुछ ना बना तो उनकी ओर से बड़ा संघर्ष किया जाएगा। पटियाला से ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद टीवी। पंजाब दे विच 25 लाख लोग कल्ली पर्ल कंपनी तो पीड़ित है। ये जिहड़ा साडा ये मुद्दे ते असी वर्क कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, ये चिट फंड कंपनियां ने, पर्ल, नैसर ग्रीन, रोज वैली, सिंगलैंड, पता नहीं किन्ने क नाम ने जेडे सरकार तो लाइसेंस लैके ते जिन्हां ने लोगों नूं चंगे भविख दे सुपने दिखा के ते पैसे उन्हां दे लैते ते मुड़ के फरार हो गए ते दे नहीं रहे। पर इन्हां कंपनियां चों कुछ कंपनियां दी प्रॉपर्टी पंजाब च पई आ जिन्हां ते राजनीतिक लोग कब्जा कर रहे आ। देखो जी, इत्थे अज साडा 1000 बंदा इत्थे पहुंचिया, जिहदे नाल असीं अज साडा मेन जिहड़ा एजेंडा सी अज दा ओह सी कैप्टन साहब नूं जाके, असीं पहलां वी 2 बार असी मंग पत्र दे चुके हैं, अज फिर देन आए हैं, तो पर सानू प्रशासन ने रास्ता नहीं दिता, सानू मजबूरन रेल गड्डी दी पटड़ी ते भी बैठना पिया, पर फिर प्रशासन ने सहमति दिती तो असी कैप्टन दी कोठी तक उहदे नेड़े तक पहुँचे हाँ। इतों साडे नुमाइंदे असी आपदा मंग पत्र देन ते उहतों विश्वास लैण वास्ते उदू बाद फिर उठांगे कि जिहड़े पंजाब दे विच इक तां उहनां दीआं प्रॉपर्टियां पईआं ने।